सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज हम इफ्तार में समोसा बना रहे हैं और आपको रेसिपी देने वाले हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने लिए 400 ग्राम मैदा है ये, आपकी जितनी ज़्यादा कम बनाने हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो इसमें हमें 400 ग्राम मैदा में हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और 4 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, इससे ये बढ़िया से करारे होंगे, ये देखें। और अब हम इसको मिक्स करेंगे हाथ से। तो देखिए, हमने मिक्स कर लिया अच्छे से और एक बार हम इस तरह से चेक कर लें। देखें, ये मुट्ठी बन रही है आपकी, तो आपका परफेक्ट हो गया है। नहीं तो थोड़ा सा ऑयल घी जो भी आप डाल रहे हैं उसे 1 चम्मच और डाल लें, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक बढ़िया सा डो लगाएंगे और दिखाते हैं आपको। तो हमने पैन गरम करके उसमें ऑयल डाला है, थोड़ा सा आलू की स्टफिंग बना रहे हैं समोसों के अंदर के लिए। ऑयल हमारा गरम हो गया है, इसमें सबसे पहले हम डालते हैं जीरा। जीरा डाल के हल्का सा भूनेंगे और फिर उसके बाद हमने लिया है सूखा धनिया, उसे थोड़ा सा हमने कूट लिया है, वो भी इसमें डाल दिया है। इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। यही हरी मिर्ची है, इसके बाद थोड़ा सा चौपड़ा अदरक, इसको भी हम भून लेंगे। ये हमने एक प्याली मटर बॉईल करे थे, ये भी हमने स्नैक कर दिए हैं, ये हम अच्छे से भूनेंगे। और 4 से 5 आलू लिए हमने, जिन्हें हम बॉईल करके मैश कर लिए हैं हल्के हल्के, वो भी हम स्नैक कर रहे हैं। ये देखिए, सारे आलू हम इसमें डाल देंगे और बढ़िया से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हमने इसमें डाला है हरा धनिया जो चॉप करा था, हरा धनिया आप ज़्यादा डालें इसमें। और ये कुछ हमने मसाले लिए हैं, 1 चम्मच है चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच से कम हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये सब मसाले हम इसमें मिक्स करेंगे हम। और ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम समोसा दिखाएंगे आपको बनाना। तो देखिए, हमारी स्टफिंग बनकर बहुत बढ़िया से तैयार हो गई है, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हम चलते हैं अपने समोसे की तरफ, अब दिखाते हैं हम आपको। तो देखिए, हमने हमारा डो बहुत अच्छे से हो गया था और हमने सबके इतने इतने बड़े पेड़े बना लिए हैं, और थोड़ा सा बीच में सूखा मैदा भी रखा, अगर जरूरत पड़ी तो हम ले सकते हैं। अब देखिए, हम एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हम बेलते हैं और दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए, हम आप चारों तरफ से एक साथ रखें, कहीं से मोटी या पतली ना रखें, और थोड़ी सी हम पहले गोल बेलेंगे फिर उसको थोड़ा सा लंबा शेप देंगे। तो ये देखिए, हमने इसे पहले गोल बेला था फिर इस तरह का शेप दिया है, अब हमें बिल्कुल बीच में से इसे कट करते हैं। ये देखें, बीच में से हमने इसे कट कर दिया है और एक उठाते हैं, और एक बाउल में हमने पानी भी लिया है लगाने के लिए। ये देखें, हमारा बन गया है। अब इसमें हम एक से हम 1.5 चम्मच इसमें भरेंगे। और ना इस तरह से कर लेंगे और ये देखें। ये देखें, हमारा समोसा तैयार है बनके। और एक और दिखाते हैं हम आपको बना के, एक और ये देखें। पहले हम इस तरह से यहाँ पानी लगा लेंगे और एक साइड में यहाँ पे, और फिर इस तरह से हम ऐसे कर देंगे इसको।
इसमें स्टफिंग भराती हूँ। देखें हमने दो बना लिए हैं और हम इसी तरह से सारे तैयार कर लेंगे। तो देखें हमने सारे इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। ये ज़्यादा बड़े हैं ना छोटे हैं, आप किसी भी साइज में रख सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं ना, और आप थोड़े छोटे भी कर सकते हैं। अब हमने अपना ऑयल भी रख दिया है एक तरफ और हम अब इन्हें फ्राई करते हैं और दिखाते हैं। देखें ऑयल हमारा गर्म है, अब हम एक एक करके इसमें अपने समोसे डालते हैं। देखें हमने इस तरह से अपने कढ़ाई में डाल दिए ये सारे और इन्हें इस तरह से हम पकने देंगे थोड़ी देर। तो देखें ये हमारे बढ़िया से सिक गए हैं, वो कलर भी आ गया था जैसा हमें चाहिए था और हमने निकाल ले हैं। तैयार हो गए हैं और हमने दो चटनी भी बनाई है, दही में मिलाई हरी मिर्च की चटनी और ये लाल वाली चटनी ली है। आप एक बार इख्तियार में ज़रूर बनाएं और हमें बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा प्यार।